हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज के वीडियो मोस्टली उन कपल के लिए है जो लोग बहुत दिनों से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग क्यों प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहे हैं। मोस्टली जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं तो खुद से हम लोग 6 महीने 1 साल तक खुद से ट्राई करते हैं, तब भी हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और अच्छे डॉक्टर पहले ही जो करते हैं वो है हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस करते हैं। सीमेन एनालिसिस में मोस्टली देखा जाता है कि हस्बैंड का जो स्पर्म है उसका काउंट सही है या नहीं, स्पर्म का जो मॉर्फोलॉजी है मतलब स्पर्म का जो आकार शेप जो है वो सही है या नहीं, और स्पर्म का मोटिलिटी कैसा है। इसके अलावा भी वाइफ के जो जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि देखा जाता है कि वाइफ में ओव्यूलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, मतलब अंडा रिलीज हो रहा है या नहीं, इसके अलावा भी थायराइड है या नहीं, पीसीओडी है या नहीं, ये सब मोस्टली देखा जाता है। इसके अलावा भी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है तो उसके लिए भी टेस्ट होता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स में भी अगर ब्लॉकेज है तो उसमें भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो ये सब टेस्ट आपने कर लिया, आपके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पर्म काउंट, स्पर्म की आकार, स्पर्म की मोटिलिटी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, आपका भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज नहीं है, थायराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीसीओडी नहीं है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है, फिर भी क्यों आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो। जी हाँ, आज के वीडियो इसी विषय पर है कि अगर आपने सब टेस्ट कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्यों मेरी प्रेग्नेंसी नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी महिलाओं के केसेस में देखा जाता है, जो लोग खुद से ट्राई करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, ओव्यूलेशन होता है, कोई भी ऐसी कोई भी टेस्ट के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम उनकी नहीं निकल रही है, उनके हस्बैंड के में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो वो क्यों होता है और उन केसेस में क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, वही आज डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, इसको मोस्टली कहा जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। इसका मेन रीजन होता है एक सर्वाइकल फैक्टर। अब सर्वाइकल फैक्टर क्या होता है? सर्वाइकल फैक्टर होता है सर्विक्स, हमारे बॉडी हर महिलाओं के बॉडी में सर्विक्स नाम की एक चीज होता है, वो बहुत ही पतला सा आकार में होता है, जो कि यूट्रस को वेजाइना से मेनली जुड़ते हैं, उसको सर्विक्स कहा जाता है। जो सर्विक्स का आकार ऐसा होता है ताकि वो टाइम पे जो स्पर्म है मतलब शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाते हैं और उससे हमारी प्रेगनेंसी रुकती है। अब सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, वो सर्वाइकल म्यूकस भी ऐसे ही होते हैं जो कि जिसको क्रॉस करके शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाते हैं और उससे हमारी प्रेगनेंसी होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कंसिस्टेंसी अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इन दैट केस क्या होता है, जो शुक्राणु है वो सर्वाइकल म्यूकस को क्रॉस करके अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये होता है मेन कारण जिसके लिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। इसके अलावा भी सर्वाइकल म्यूकस में ऐसे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्पर्म फ्रेंडली होता है, जो आपके प्रेगनेंसी को रुकने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके सर्वाइकल म्यूकस में एंटी स्पर्म एंटीबॉडी ऐसे कुछ है तो वो आपकी स्पर्म के जो क्वालिटी है उसको खराब कर देते हैं, तो इसके चलते आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो। इसी को मोस्टली कहा जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल फैक्टर। तो ये अभी तक ऐसी कोई टेस्ट या फिर ऐसी कोई एग्जामिनेशन इसका नहीं आया है जिसके द्वारा ये पता चल सके कि आप में ये प्रॉब्लम्स है। तो मोस्टली क्या होता है, आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया, सब कुछ ठीक है, फिर भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो तो इसको कहा जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो मोस्टली इसका रीजन यही होता है कि आपकी सर्वाइकल जो म्यूकस है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सही नहीं है, या फिर आपके जो सर्वाइकल म्यूकस का जो कंसिस्टेंसी है वो सही नहीं है। तो अब सवाल यह आता है, अगर मुझमें ये प्रॉब्लम है तो मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इसका एक इजी सॉल्यूशन यही है, अगर ये प्रॉब्लम आप में है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो फिर आपको IUI के लिए ट्राई करना चाहिए। IUI होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन।
ये बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस होता है ये, मतलब बहुत ज्यादा ये कॉस्टली भी नहीं है। मेरे टाइम पे एक्चुअली मुझे मेरे डॉक्टर ने ओव्यूलेशन 3 बार होने के बाद, ओव्यूलेशन स्टडी 3 बार होने के बाद एचएसजी करने से पहले मुझे डॉक्टर ने यही बताया था कि अगर एचएसजी के द्वारा आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है IUI, मतलब एचएसजी टेस्ट के द्वारा अगर देखा जाता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है IUI। तो तभी मुझे डॉक्टर ने लगभग इसका प्राइस कुछ बताया था, मतलब पर सर्किल इसका प्राइस आता है कुछ 15 to 20 thousand। ये मैं मेरी टाइम की बात कर रही हूँ, मतलब आज से मानिए लगभग 3 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। अब IUI में क्या होता है, देखिए ये एक पेनलेस प्रोसीजियर है, इसमें कुछ पेन नहीं होता है। इसमें जो हस्बैंड का जो स्पर्म है उसको लेके लैब में उसको प्रिपेयर किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है क्योंकि इसमें जो अगर आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी खराब है तो फिर ये IUI के प्रोसेस बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो स्पर्म है, अच्छे स्पर्म और जो बुरे स्पर्म है दोनों को अलग किया जाता है, और जो अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म है वो एक ट्यूब के द्वारा वाइफ के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको क्रॉस करके शुक्राणु को अंडे तक जाने की कोई जरूरत भी नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट एक ट्यूब से ही जो अच्छे क्वालिटी का जो स्पर्म है उसको प्लेस किया जाता है यूट्रस के अंदर। तो अगर आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर आपके हस्बैंड की स्पर्म काउंट सही नहीं है, या फिर स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छे नहीं है, तो उन कपल्स के लिए IUI एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जो कि बिल्कुल पेनलेस है और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है। अब IUI आप एक बार करके ही आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, ऐसी कोई 100% कंफर्मेशन नहीं है। IUI भी मोस्टली 2 से 3 बार डॉक्टर्स ट्राई करते हैं। फर्स्ट साइकिल में अगर आप प्रेगनेंसी नहीं होता है तो फिर आप सेकेंड एक बार ट्राई कर सकते हो, मोस्टली 3 बार तक IUI की प्रोसेस ट्राई कर सकते हो। पर सर्कल जैसे मुझे बताया गया था कुछ 15 to 20 thousand के आसपास इसका खर्चा होता है, और ये एक अच्छे लैब से, अच्छे गाइनोलॉजिस्ट से ही आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसके लिए एक अच्छी लैब की जरूरत होती है। तो अच्छे एक डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपकी जो IUI है वो एक बार में ही आपके सक्सेसफुल हो जाए। अब IUI करने के बाद कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए, अगर आपने IUI किया है, डॉक्टर की आप सारे बातें मान रहे हो, डॉक्टर ने जो जो बताया है सब कुछ अच्छा है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट मोस्ट एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद करना चाहिए। IUI करने के बाद अगर आप कुछ दिनों के बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 2 हफ्ते से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करने की कोई फायदा ही नहीं होता है। अगर आप IUI कर रहे हो तो उसके एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, तब भी जाके आपको सही से पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे केस में तो IUI मुझे नहीं हुआ था क्योंकि मेरे ओव्यूलेशन स्टडी 3 बार हुआ था। उसके बाद जब पता चला था कि नहीं हो रहा है 3 बार ओव्यूलेशन स्टडी करने के बाद भी, तब डॉक्टर ने मुझे HSG टेस्ट की सलाह दिया था जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया। और जिस मंथ मेरा HSG टेस्ट हुआ था उसी महीने मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जो लोग IUI से एक ही बार में वो लोग प्रेगनेंट हो जाते हैं। तो IUI का प्रोसेस एक सेफ प्रोसेस है, एक पेनलेस प्रोसेस है, बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस भी नहीं है। तो फिर अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ आपने कर लिया, अच्छे डॉक्टर के पास भी गए, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो उसे टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है, आप IUI की ट्राई कीजिए। अगर सब कुछ सही जा रहा है, अच्छे डॉक्टर से आप IUI करवा रहे हो, आपके लैब्स भी अच्छे हैं, डॉक्टर जो बोल रहे हैं, जो जो एडवाइस दे रहे हैं कि IUI के बाद मतलब डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या क्या आपको मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, वो सब आप फॉलो कर रहे हो सकता है कि आप एक ही बार एक ही IUI से आप प्रेग्नेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी किसको कहा जाता है, वो क्यों होता है, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उससे आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आई होप मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना,
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे मैं ऐसी बहुत सारे वीडियोस लेके आती रहूं और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। टिल देन बाय बाय।